टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में रोहित का किरदार निभाने वाले एक्टर शिवम खजूरिया काफी वक्त से शो में नजर नहीं आए। शो की कहानी में मेजर ट्विस्ट आया था तब रोहित शो से अचानक गायब हो गया और फिर लंबे वक्त तक उसकी कोई खोज खबर नहीं थी। रोहित ने अरमान के साथ अपने रिश्ते की गुंजाइश ढूंढना शुरू किया। अब खबर है कि रोहित शो में फिर से वापस आने वाला है। राजन शाही प्रोड्यूस्ड सीरियल में बहुत सारा ड्रामा होने वाला है। टेलीचक्कर ने एक रिपोर्ट के मुताबिक टीवी एक्टर रोमित राज अब शो में रोहित का किरदार निभाते नजर आएंगे। आपको बता दें कि रोमित और गर्वित साधवानी इससे पहले टीवी सीरियल बातें कुछ अनसही सी साथ नजर आ सकते हैं। शो में दोनों ने कपल का रोल प्ले किया था और अब वो फिर एक बार इस सीरियल में कपल के तौर पर नजर आएंगे। लेकिन क्या रूही अपने खो चुके पति को स्वीकार करेगी? जब वो पोदार हाउस में वापसी करेगा तो उसकी मानसिक हालत कैसी होगी? क्योंकि पोदार परिवार से पहले ही अरमान और अबीरा की शादी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, तो ऐसे में रोहित की वापसी इस पूरे सिचुएशन को किस तरह प्रभावित करेगी? क्योंकि रोहित के घर से जाने के बाद से लेकर उसका भाई अरमान और परिवार का हर सदस्य काफी हद तक बदल चुका है। ऐसे में अब देखना होगा कि रोहित और अरमान के बीच फिर से वही केमिस्ट्री देखने को मिलेगी या नहीं। आपको बता दें कि टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कास्ट में तब से लेकर अभी तक काफी कुछ बदलाव हुआ। शो में पहले शहजादा धामी अरमान का किरदार निभाते थे और रूही के किरदार में प्रतीक्षा होनमुखे नजर आ रही थी, लेकिन फिर एक बार अचानक मेकर्स ने बड़ा फैसला लिया, सीरियल की लीड कास्ट को ही बदल दिया। तब से लेकर अभी तक रोहित पुरोहित अरमान पोदार के किरदार में नजर आ रहे हैं और गर्विता साधवानी रूही का किरदार निभा रही हैं।